एके भारती ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स की सेट टू, जिससे आपको बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ 2021 मॉडल क्वेश्चन है, सेट टू, पूरा मार्क्स 70 मार्क्स का है। चलिए पहले नंबर सवाल से शुरू करते हैं। द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट कूलम, दूसरा ऑप्शन है कूलम प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है कूलम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई द चार्ज विल बी, द फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रमाण क्या हो जाता है? E बराबर एफ क्यू, फोर्स इंटू चार्ज। तो हमें यहाँ से फोर्स बराबर आ जाएगा क्यू बाई ई, चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्यू बाई ई। तीसरे नंबर सवाल देखते हैं। फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रिलेशन रॉन्ग है? फर्स्ट ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सेकेंड ऑप्शन है 1/2 इंटू क्यू बी, थर्ड ऑप्शन है 1/2 इंटू सी बी, फोर्थ ऑप्शन है 1/2 बाई सी बी स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/2 सी बी एक गलत है, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर रिलेशन। कैपेसिटर रिलेशन का फॉर्मूला था यू बराबर 1/2 सी बी का वर्ग बराबर में 1/2 क्यू स्क्वायर सी बराबर में होता है 1/2 क्यू भी। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। नंबर इन करेंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबिड ऑल, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड्स, सेकेंड ऑप्शन है मेटल्स, थर्ड ऑप्शन है लिक्विड, फोर्थ ऑप्शन है गैस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेटल्स। पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं। द करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हो जाता है एन बराबर आई बाई ई। तो 3.2 करंट दिया हुआ है और ई का मान 1.6 इंटू 10^-19 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर हमें 2 × 10^19 प्राप्त होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। छठा नंबर सवाल देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, व्हीट स्टोन ब्रिज को किस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन है लोअर रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है बोथ हायर एंड लोअर रेजिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ हाई एंड लोअर रेजिस्टेंस। सातवां नंबर सवाल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इन साइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट आई इज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, फर्स्ट है म्यू नोट एन स्क्वायर आई, सेकेंड है म्यू नोट एन आई स्क्वायर, थर्ड है म्यू नोट एन आई, फोर्थ है म्यू नोट आई बाई एन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, म्यू नोट एन आई। एट नंबर सवाल है। इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड पार्टिकल, फर्स्ट ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर बाई टू एम, सेकेंड ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर बाई एम, थर्ड ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर बाई टू एम, फोर्थ ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू एम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू एम। नाइन नंबर सवाल देखते हैं। हेनरी इज अ यूनिट ऑफ, हेनरी किसका यूनिट है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ इंडक्टेंस, सेकेंड ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्टेंस, थर्ड ऑप्शन है बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। टेंथ नंबर सवाल देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर इन इंडिया इज, तो फर्स्ट ऑप्शन है 70 हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, फिफ्थ ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, फोर्थ ऑप्शन है 40 हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50 हर्ट्ज। 11 नंबर सवाल देखते हैं। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1 माइनस म्यू इंटू
ए, सेकेंड ऑप्शन है म्यू माइनस वन इंटू ए, थर्ड ऑप्शन है म्यू प्लस वन इंटू ए, फोर्थ ऑप्शन है म्यू प्लस वन इंटू ए का स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, म्यू माइनस वन इंटू ए। ट्वेल्थ नंबर सवाल देखते हैं, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीसेस। तो इसका सही पहला ऑप्शन है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, सेकेंड ऑप्शन है रियल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, थर्ड ऑप्शन है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, फोर्थ ऑप्शन है वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमिनिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज को बनाता है। थर्टीन नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिनन एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस, सेकेंड ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है पोलराइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर्टीन नंबर सवाल देखते हैं, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव इज 16.9, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज देयर इंटरफेस पैटर्न विल बी। फर्स्ट ऑप्शन है 25/7, सेकेंड ऑप्शन है 49/1, थर्ड ऑप्शन है 4/3, फोर्थ ऑप्शन है 256/81। तो इसका चलिए हम लोग देखते हैं, 49/1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ मीटर वेव इज गिवेन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है लेमडा बराबर एच बाई पी, सेकेंड ऑप्शन है लेमडा बराबर पी बाई एच, थर्ड ऑप्शन है लेमडा बराबर एच बाई पी, फोर्थ ऑप्शन है लेमडा बराबर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पी बराबर एच लेमडा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा पी बाई एच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, पी बाई एच। 16 नंबर सवाल है, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी बाय न्यूक्लियॉन, थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फोर्थ ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, बाइंडिंग एनर्जी बाय न्यूक्लियॉन। 17 नंबर सवाल देखते हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, सेकेंड ऑप्शन है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, थर्ड ऑप्शन है प्लैंक क्वांटम इक्वेशन, फोर्थ ऑप्शन है आइंस्टाइन रिलेटिविटी इक्वेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें फोर्थ भी ऑप्शन सही है और सेकेंड ऑप्शन भी सही है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर को हम लोग आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन भी कहते हैं और रिलेटिविटी इक्वेशन भी कहते हैं। चलिए हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं, द डीके कॉन्स्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लेमडा इट्स हाफ लाइफ टाइम इज। हाफ लाइफ टाइम इसका निकालना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, लॉग 2e बाई लेमडा। इसका फॉर्मूला होता है ना टी लेमडा इज इक्वल टू लॉग 2e, टी लेमडा इज इक्वल टू लॉग 2e। तो टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर लॉग 2e। 19 नंबर सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है होल्स, सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑप्शन है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ ऑप्शन है नीदर होल्स और नॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। 20 नंबर सवाल देखते हैं, द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन लॉजिक गेट इज। आउटपुट कितना होता है लॉजिक गेट में, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली वन, सेकेंड ऑप्शन है ओनली टू, थर्ड ऑप्शन है मोर देन वन टू, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ओनली वन। ग्रुप बी का सवाल देखते हैं हम लोग, 21 नंबर सवाल है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। SI यूनिट कैपेसिटेंस का क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है हेनरी फैराड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फैराड। 22 नंबर सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स गिव द अमाउंट द चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। तो इसका ऑप्शन है करंट डेंसिटी और सेकंड ऑप्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर करंट डेंसिटी, गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो।
23 नंबर सवाल देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करेंट आई एट द सेंटर इज। तो इसका ऑप्शन है म्यू नॉट आई बाई 2πr और दूसरा ऑप्शन है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर म्यू नॉट आई बाई 2r। 24 नंबर सवाल देखते हैं, द नेगेटिव साइन इन एक्सप्रेशन ऑफ फैराडेज लॉ इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, तो लेंज लॉ को। 25 नंबर सवाल देखते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ फिल इन द ब्लैंक्स लॉ, कौन सा लॉ को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करता है, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एनर्जी कंजर्वेशन। 26 नंबर सवाल है, द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन है मास डेंसिटी, ऑप्शन है मास डिफेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर मास डिफेक्ट। 27 नंबर सवाल देखते हैं, एडिशन ऑफ डिसेपरेबल इम्प्योरिटी एटम्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, डोपिंग या डिफ्यूजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोपिंग, उसमें ऐड करते हैं उसको डोपिंग कहते हैं, और जो ऐड किया जाता है उसे डोपेंट कहा जाता है। अब ग्रुप सी नंबर देखते हैं हम लोग, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करेंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो चलिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन कैरिड बाय कंडक्टर, करंट का मान दिया हुआ है 35 एम्पियर, डिस्टेंस आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, विकेट बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2πr इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 35 बाई 2π इंटू 0.20, देन सॉल्व वी गेट 3.5 इंटू 10⁻⁵। आंसर नंबर सवाल है, राइट डाउन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट है, व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज क्वाइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड एंड करंट फ्लोज थ्रू द क्वाइल, दिस इंडक्टेंस ईएमएफ रिमेंस स्टिल द फ्लक्स चेंज। सेकेंड है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ लेट एट एनी इंस्टेंट द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा इन टी सेकेंड्स, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी और इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्रोपोर्शनल माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई थीटा बाई टी और ई इज इक्वल टू माइनस के बाई के थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, जहाँ के कॉन्स्टेंट है, इट्स वैल्यू इज एसआई सिस्टम इज 1, इसलिए इज इक्वल टू माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी और ई इज इक्वल टू माइनस डी थीटा बाई डी टी। द नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपोज दैट चेंज ऑफ फ्लक्स। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं, हाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स वेरीज देयर लीनियर मोमेंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ मूविंग पार्टिकल्स वेरीज विद देयर लीनियर मोमेंटम पी, देन लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद देयर लीनियर मोमेंटम। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लीनियर मोमेंटम का, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, 31 नंबर सवाल है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है, डिराइव द रिलेशन एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं,
At any instant, the rate of radioactive degradation is directly proportional to the number of nuclei of the radioactive element present at the instant. We know by radioactive decay law. हम लोग जानते हैं dN by dt proportional to N or dN by dt equal to minus lambda by N. Where lambda is the constant of proportionality called radioactive decay constant, let N naught be the number of nuclei present at time t is equal to 0 and N the number of nuclei present at time t. dN by N is equal to minus integration 0 to t lambda t d is equal to minus lambda बाहर निकल गया इंटीग्रेशन 0 टू t dt log e n माइनस log e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी log e इंटू एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस लेमडा बाई टी देन इक्वल टू एन बराबर एन नॉट इंटू ई का पावर माइनस लेमडा बाई टी। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। नंबर सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में अंतर देखना है। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, फर्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इज यूज्ड फॉर्म ड्यू टू द डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज बोरोन एल्युमिनियम थैलियम। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इज यूज्ड फॉर्म ड्यू टू डोपिंग ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ। सेकेंड है दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रिवेलेंट सेमीकंडक्टर्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज पेंटावायलेंट सेमीकंडक्टर्स। थर्ड नंबर है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इट मीन्स इट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इट मीन्स एक्सेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। फोर्थ है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरिज आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरिज आर इलेक्ट्रॉन्स। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजोरिटी चार्ज कैरिज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरिज आर होल। फिफ्थ नंबर है अ होल इंडिकेट अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगला नंबर सवाल देखते हैं। नंबर सवाल है व्हाट आर लॉजिक गेट्स गिव द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस ऑन आउटपुट सिग्नल द आउटपुट सिग्नल एंड एनी बुलियन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म गेट। द एंड गेट कैन बी रियलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाय यूजिंग टू आइडियल जंक्शन डायोड D1 एंड D2। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ए का फंक्शन लिखना है ट्रांसमीटर का और बी का रिसीवर का भी। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू, ट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट सिग्नल्स, दिस सिग्नल्स कंटेन इंफॉर्मेशन विच कैन बी ऑडियो वीडियो और डाटा। इन एसेंस अ ट्रांसमीटर लॉन्च सिग्नल इनटू द एयर वाया ट्रांसमिटिंग एंटीना। बी है द फंक्शन ऑफ रिसीवर का फंक्शन क्या था, ऑपरेट्स ऑन द रिसीव्ड सिग्नल पिक्ड अप फ्रॉम ट्रांसमिटेड सिग्नल एट द आउटपुट चैनल प्रोसेस इट टू रिप्रोड्यूस द रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल डिलीवरिंग। अगला नंबर सवाल देखते हैं। नंबर सवाल है डिफाइन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच में रिलेशन को हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप, सेकेंड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इक्वल टू बी कॉस। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं।
a diagram of AC generator and describe it, derive an expression for instantaneous value of induced EMF. तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं. The diagram of AC generator is shown is in the attached diagram. नीचे इसका अटैच्ड है. Construction. Two fixed strong permanent magnets are placed with their opposite poles facing each other. The magnetic field is concentrated to the coil by the structure of a soft iron. A conductor coil of a turns rotates between the magnetic poles by the means of an external agent, steam, running water, etc. The ends of the coils are connected to an external circuit through the means of carbon brushes and slip ring. Principle of working. Iska working dekh lete hain hum log. AC generator works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Ye Faraday's law of electromagnetic induction ke basis par kaam karta hai. According to it, when there is change of magnetic flux through a conductor loop, an EMF is induced across the ends of the loop. The induced EMF is such that it opposes that cause that induced. It is given as negative of rate of change of magnetic flux through the circuit. IB by dt. By law of conservation of energy, the kinetic energy suffered by the external means to rotate the coil, it conserved into electrical energy. इसका working हम लोग देख लेते हैं. The strong magnets create a magnetic field between the magnets direct from the north pole to the south pole. The coil is rotated by external means. As the coil rotates, the angle between the magnetic field and the coil changes, which leads to the generation of an attaching induced EMF. The ends of the coil connected to an external circuit by the means of carbon brushes and slip ring. When the external circuit is closed, an alternating current flows through the coil and hence is supplied to the circuit. Analysis iska dekhte hain. Let the magnetic field due to the magnets be without loss of generality. Let the coil be placed such that initial angle between the surface area vector of the coil and the magnetic field be theta is equal to pi by 2 shown in figure. Niche dikhaya gaya hai. Let the angular speed of the coil be e omega, then angle between surface area vector of the coil and the magnetic field after time t is given by theta is equal to theta naught plus omega t. Magnetic flux through the coils is then IB is equal to integration of B into dA, BA cos theta, BA cos theta t plus omega t. By Faraday's law of electromagnetic induction, magnitude of induced EMF through a coil of n turns is given by E is equal to N d phi B by dt. N equal to dBA cos theta plus omega t by dt. N equal to BA omega sin theta plus omega t. The above is the expression for the instantaneous induced EMF across the coil. ये दोनों मैग्नेट है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल. एक्सल है ये, एक कॉइल है यहाँ पर. अल्टरनेटिंग ईएमएफ इधर से, कार्बन ब्रशेस दोनों कार्बन ब्रशेस है. स्लिप रिंग्स ये दोनों स्लिप रिंग्स हैं. चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी वी वेक्टर वी इक्वल टू आई. ड्रॉ अ स्केच शोइंग द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं. ई इंटू बी प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव. प्रोपगेशन वेव को इंडिकेट कर रहे हैं. इनवेलप ऑफ ए, इनवेलप ऑफ बी. आई इक्वल टू ई क्रॉस बी. ग्राफ ऑफ शोइंग बी अलोंग के एंड ई
along J. Speed of electromagnetic wave is V equal to E naught by B naught, where E naught is equal to magnitude of electric field or B naught is equal to magnitude of magnetic field. चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं. नंबर सवाल है, हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं. आंसर है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग. डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55. मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस का ग्लास बनाया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है. विद बोथ फेसेस ऑफ द सम रेडियस कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं. 38 का म्यू इज इक्वल टू 1.55, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, फोकल लेंथ f बराबर 20 सेंटीमीटर एंड R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू माइनस R. फ्रॉम लेंस फार्मूला से 1/5 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. तो 1/20 एफ का वैल्यू हम यहाँ पर बिठा दिए और म्यू का वैल्यू हम यहाँ पर बिठा दिए 1.55 माइनस 1/R माइनस 1/R. क्लोज ब्रैकेट 1/20 इज इक्वल टू 0.55 गुना 2/R. तो इसका सॉल्यूशन करने पर हमें R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 220, इसलिए R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन विद ब्लॉक डायग्राम. कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन से सबसे जरूरी एलिमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ. तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर इंफॉर्मेशन सोर्स इनपुट. एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम आर इंफॉर्मेशन सोर्स इनपुट, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन सोर्स. तो इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी देख लेते हैं. इन्फॉर्मेशन सोर्स, उसके बाद इनपुट, ट्रांसड्यूसर, उसके बाद ट्रांसमीटर, उसके बाद चैनल, चैनल के नीचे न्यूज, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद आउटपुट, ट्रांसड्यूसर, उसके बाद इन्फॉर्मेशन इन ओरिजिनल फॉर्म. जो इन्फॉर्मेशन हम भेजें उसका ओरिजिनल फॉर्म वहाँ पर प्राप्त होगा. तो चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं. नंबर सवाल है, यूज गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट. एक और साइड में निकालना है हम लोग को और एक इन साइड में. बी नंबर इसी का सवाल है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहाँ भी हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. इसका अथवा में सवाल है और में, अ डिफाइंस कैपेसिटेंस ए कैपेसिटर डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं. कंसिडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस से एंड पोटेंशियल डिफरेंस वे बिटवीन द प्लेट्स. लेट द चार्ज ऑन वन प्लेट बी पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू ऑन द अदर. सपोज द कैपेसिटर इज बींग चार्ज ग्रेजुअली. Now at any stage the charge on capacitor is Q. Therefore the potential difference is equal to Q by C, charge by Coulomb. A small amount of work done is giving an additional charge dQ to the capacitor is dW is equal to Q by C into dQ. The work done is giving a charge Q to the capacitor is W is equal to integration of dW. अगला नंबर सवाल देखते हैं. Use Kirchhoff's rules to obtain conditions for balance Wheatstone bridge. तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं. V
we applying Kirchhoff's current law in the Swan circuit at junction B. I1 is equal to Ig plus I3 at junction D. I2 plus Ig is equal to I4 if current through the galvanometer is zero. Galvanometer से कितना जाता है? Zero. तो Ig is equal to zero. Thus I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4. Applying Kirchhoff's voltage law of loop ABDA. I1P plus IgG is equal to I2R. Applying Kirchhoff's voltage law of loop BCDB. I3Q is equal to I4S plus IgG. When Ig is equal to 0, I1P is equal to I2R and I3Q is equal to I4S. But I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4. Therefore, P by Q is equal to R by S. तो इसका हम लोग फॉर डायग्राम देख लेते हैं और वो I1 और I2 में सबसे पहले टूट रहा है, अलग हो रहा है, उसके बाद Ig इधर से जा रहा है, उसके बाद I3 ये यहाँ से चला जा रहा है, उसके बाद ये I4 और ये I A B C D. चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. इस्टेब्लिश द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू साइन इंटू ए प्लस एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू वेयर टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग. इसी का बी नंबर सवाल है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री फॉर येलो लाइट इज रूट टू कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. इसका अथवा में सवाल है और में डिस्क्राइब अंग ड्रेवल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स विथ नेसेसरी थ्योरी एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. तो चलिए हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं. फ्रिंज इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ए बी बराबर साइन थीटा. ट्रायंगल एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा अप्रोक्स टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी. डेल एक्स बाई डी इज इक्वल टू वाई बाई डी या y is equal to d by d into delta x. Fringe width means gap between two maxima. y is equal to d by d n lambda. n is equal to integer है. Fringe width b is equal to y n equal to 2 minus y n equal to 1. Beta is equal to d by d 2 lambda minus d by d lambda is equal to d by d lambda. We have beta is in proportion 1 by d, so if d is increased then beta decreases. We have beta proportional d, so if d is increased then beta is increases. चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देख लेते हैं. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 meter अवे फ्रॉम द स्लिट्स. Calculate fringe width when light of wavelength 500 nm is used. तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं. d इक्वल टू 10 mm था, उसको हम लोगों ने d इक्वल टू मीटर में बदल दिया. तो d इक्वल टू माइनस का पावर 3. d इक्वल टू 1 meter. लैम्डा इज इक्वल टू 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 meter. द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन 2 lambda d by a. Fringe width in double slits pattern beta is equal to lambda d by d. Given दिया हुआ है 10 beta is equal to 2 lambda d by a. या इसको हम लिख सकते हैं 10 lambda d by d is equal to 2 lambda d by a. a is equal to d by 5 mm, then a is equal to 0.2 mm. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना.